हाल ही में जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन हुआ तो पीएम मोदी ने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दो महानगरों की दूरी को बेहद कम कर देगा। इसके बाद चर्चा की जाने लगी कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के अंडर हाईवे एक्सप्रेसवे के काम में बेहद तेजी आई है। इसके साथ ही ये दावे भी होने लगे कि 2022 में हर दिन 38 किलोमीटर के हाईवे बनाए गए, जो दुनिया में सबसे तेज गति से बनने वाले हाईवेज हैं। हालांकि सरकार के इस दावे को लेकर कांग्रेस ने तुरंत आपत्ति जताई और बीजेपी सरकार पर सड़कों को गलत तरीके से नापने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस ने ये भी कहा कि 2014 से पहले यूपीए सरकार के समय पर बीजेपी सरकार से ज्यादा वो सड़कें बना रहे थे। कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने अंग्रेजी अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड की 2018 के लेख का हवाला देते हुए कहा कि गडकरी और उनके मंत्रालय के वो दावे गलत हैं, जहां कहा जा रहा है कि वो एक दिन में 38 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं, बल्कि ये तमाम दावे फॉर्मूला बदल कर किए जा रहे हैं। लेख का हवाला देते हुए वो कहते हैं कि सरकार 2018 में एक नया फॉर्मूला लेकर आई, जिसमें 6 लेन सड़क 1 किलोमीटर बनेगी तो हर लेन को अलग अलग गिनकर इसे 6 किलोमीटर माना जाएगा। तो रोज की 38 किलोमीटर सड़क बताई गई, जो कि असल में 6.5 किलोमीटर के आसपास है, जबकि 2014 से पहले यूपीए सरकार के समय पर 7.5 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनवाई जा रही थी। आज के मानक के हिसाब से 45 किलोमीटर हर दिन। लेकिन क्या वाकई गडकरी के मंत्रालय ने सड़क नापने का फॉर्मूला ही बदल दिया? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल सप्पल ने जिस बिजनेस स्टैंडर्ड के लेख का स्क्रीनशॉट अपने ट्वीट में पोस्ट किया वो 2018 का है। लेख में कहा गया है कि सरकार सड़क नापने के देश में लीनियर मेजरमेंट मेथड को छोड़कर इंटरनेशनल मानक अपना सकती है। लीनियर मेजरमेंट में जहां सड़क में चाहे 1 हो या 8 लेन, सड़क की लंबाई को ही नापा जाता है, लेकिन इंटरनेशनल मानक में सड़क की लेन को नापा जाता है। यानी अगर 1 किलोमीटर की सड़क में 4 लेन है तो उसे 4 किलोमीटर बताया जाता है। हालांकि लेख में साफ लिखा है कि सरकार इंटरनेशनल मेजरमेंट मेथड अपना सकती है, ना कि सरकार ने अपना लिया है। कांग्रेस के तमाम आरोपों को लेकर गडकरी के ऑफिस ने कुछ ग्राफ जारी किए और तसल्ली से कांग्रेस के हर आरोप का जवाब भी दिया। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले ग्राफिक्स का, जिसका नाम है कुछ तथ्य। इसे पॉइंट वाइज गडकरी ऑफिस ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया है। पहला, सरकार ने रोड को नापने के लिए मानक को बदला ही नहीं है। दूसरा, सरकार अभी भी सड़कों को बिल्कुल वैसे ही नापती है जैसे 2014 से पहले नापा जाता था, जिसे लीनियर मेजरमेंट कहा जाता है। तीसरा, मौजूदा एनडीए सरकार में परिवहन मंत्रालय ने 2020-21 में हर दिन सड़क बनाने का रिकॉर्ड बनाया, जो 37 किलोमीटर पर डे रहा। हमारा सड़क बनाने का जो रिकॉर्ड है वो यूपीए या यूपीए 2 सरकार से कहीं ज्यादा है। इसके साथ ही गडकरी ऑफिस ने एक ग्राफ भी पेश किया, जिसमें एक तरफ यूपीए के समय पर हुए सड़क निर्माण के किलोमीटर को दिखाया गया है और दूसरी ओर एनडीए के समय पर हुए सड़क निर्माण को। एक तरफ जहां दिखाया गया है कि कैसे यूपीए सरकार के समय 2005-06 में 2637 किलोमीटर सड़क बनी, 2006-07 में 2322 किलोमीटर, 2007-08 में 3730 किलोमीटर, 2008-09 में 4719 किलोमीटर, 2009-10 में 5145 किलोमीटर, 2010-11 में 4439 किलोमीटर, 2011-12 में 5013 किलोमीटर, 2012-13 में 5733 किलोमीटर और 2013-14 में 4260 किलोमीटर। और दूसरी ओर एनडीए सरकार के समय पर सड़क और उनके किलोमीटर भी दिखाए गए हैं, जैसे कि मोदी सरकार आने के तुरंत बाद 2014-15 में 4410 किलोमीटर सड़क बनी, 2015-16 में 6061 किलोमीटर सड़क बनी, 2016-17 में 8231 किलोमीटर सड़क बनी, 2017-18 में 9829, 2018-19 में 10885, 2019-20 में 10237 और 2020-21 में 13327 किलोमीटर सड़क बनाने का दावा। और इस ग्राफ के जरिए गडकरी सरकार ने दोनों सरकारों में जो सड़क बनी है उसे पेश किया है। ऐसे में कांग्रेस का ये दावा कि बीजेपी से ज्यादा उनके समय पर सड़क ज्यादा बनी है, वो दावा गलत दिखाई दे रहा है। आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।